में हम यूटेक ग्रेजुएशन हो चुका है, मजदूर में जॉब नहीं मिलने कारण से ये टेम्पो दौड़ना पड़ रहा है ना, उसको भी आप लोग भी समझ दीजिए। हम यूनियन में पोस्ट है पर भी यूनियन वाला लोग ऑफिसर लोग को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, बोलने नहीं सक रहा है। प्रेसिडेंट और GSR जो है, हम उन दोनों को भी बहुत रिक्वेस्ट किया है पर्सनल में, वो दोनों भी इसको अपील कर देख रहा है पर अपील नहीं कर पा रहा है। क्या ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोग को ना 10-20 रुपया कम करने से ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कोई कोई टेम्पो वाला जो बहुत मतलब एटीट्यूड होता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग आधा रास्ता में तोरा क्या होने से आर्गुमेंट होने से हम लोग आधा रास्ता में ही नमा देते हैं। नमस्कार आप सबको, आवर टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं दुपिल नाटम, राइट नाउ आई एम रिपोर्टिंग फ्रॉम कांग्रेस भवन। आप सभी को पता है जैसे ही आप सभी कांग्रेस भवन आएगा तो आपको एक टेम्पो स्टेशन देखने को मिलेगा। तो ये टेम्पो स्टेशन जो ये टेम्पो स्टेशन का जो यहाँ का जो टेम्पो को पकड़ता है उन कस्टमर को यहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका ये जो टेम्पो स्टेशन वाला लोग आपका कहीं ना कहीं आपका बीच रास्ता में वो कस्टमर लोगों को छोड़ देता है। तो आपका सामने में आपका आरके मिशन हॉस्पिटल है, तो वो आरके मिशन हॉस्पिटल जाने वाला लोगों को बीच रास्ता से पैदल जाना पड़ता है। तो ये टेम्पो ड्राइवर लोग का भी लाइक एक इन लोगों को भी एक ऑर्डर दे के रखा गया है, ये आपका ट्रैफिक SP और DSP एंड DC की ओर से। तो अगर इन लोग रूल को फॉलो नहीं करेगा तो इन लोग का ऊपर में भी 3,000 का फाइन लगाया गया है। तो मैं ये DSP एंड जो ये आपका लाइक ट्रैफिक SP से मैं अपील करना चाहेगा कि टेम्पो स्टेशन पहले जैसे चल रहा था आप ऐसे चलने दीजिए, क्योंकि आपका ये टेम्पो स्टेशन वाला लोग भी मजबूरन जो इन लोग पैसेंजर यहाँ में जो बुक किया आता है वो पैसेंजर को आधा रास्ता में रुका देता है। तो उन लोग जो बीच में जो आपका प्रेग्नेंट वाला जो कस्टमर लोग भी या पैसेंजर लोग भी आके बैठता है, जो आपका बीमार वाला पैसेंजर लोग भी यही टेम्पो को पकड़ के आता है, तो इन लोग भी मजबूरन आधा रास्ता में छोड़ देता है उन पैसेंजर को, तो उन लोग को पैदल जाना पड़ता है। तो मैं ये लास्टली मैं अपील करना चाहेगा जो ये रूल एंड रेगुलेशन जो लगाया गया है आपका ये जो ट्रैफिक SP DSP एंड DC को, मैं रिक्वेस्ट करना चाहेगा आप इस टेम्पो ड्राइवर लोग का भी आप जो रोजी रोटी यहाँ से होता है, चलो मान के चलता है कि आप बोल रहे हैं आप लोग का रूल लगाने का मतलब भी ये है कि आपका कहीं ना कहीं ट्रैफिक इश्यू है। तो मैं आप सबको हेज माई ओपिनियन में ये शेयर करना चाहेगा कि टेम्पो जितना भी टेम्पो जब से चल रहा था कहीं ना कहीं मुझे इतना ट्रैफिक का इशू देखने को नहीं मिला है। आपका दो बस यहाँ आता है तो वो बस ही पूरा रास्ता को कवर कर देता है। तो ये टेम्पो वाला लोग भी काफ़ी हमें तकलीफ हो रहा है बोल के ऐसे सुनने में आ रहा है कि उन लोग का जो दिन का 10-20 रुपया भी पूरा ये जो आपका रूल एंड रेगुलेशन का कारण इन लोग भी हमें तकलीफ हो रहा है बोल के ऐसे सुनने में आ रहा है। काफ़ी ये जो कस्टमर है आप लोग का टेम्पो में जो कस्टमर जाता है उन लोग को काफ़ी तकलीफ हो रहा है कि आप लोग कस्टमर को बीच रास्ता में छोड़ के आप लोग ऐसे पैदल जाने देते हैं। तो कोई कोई कस्टमर लोग जो बीमार वाला होता है जो प्रेग्नेंट वाला होता है उन लोग को पैदल जाने के लिए काफ़ी तकलीफ होता है, पर आप लोग की मजबूरी हो गया कि आप लोग को कुछ रूल यहाँ में दिया है बोला है। तो आप लोग का मतलब ये अभी जो आप लोग का कस्टमर का जो तकलीफ मिल रहा है ना, और ये जो आप लोग का ऊपर में जो रूल लगा के रखा है तो रूल का लगाने का कारण मतलब आप लोग को कितना तकलीफ मिल रहा है उसको थोड़ा बता दीजिए। हाँ तो फिर सबसे पहला हमारा और यहाँ में हाँ कमियाँ है, बहुत सा कमियाँ है। यह कमियाँ है कि पब्लिक का जो हम लोग का जो आपका पैसन लोग का कहने का मतलब जो है आजकल क्या हो गया, पहले तो बहुत बेहतर था, पहले तो आरके मिशन अंदर तक घुसता था सब एकदम नॉर्मली चल रहा था, तो आज का डेट में ऐसे रोक और तो क्यों है ना। तो ये सवाल जो है काफ़ी हमारा पब्लिक लोग भी कहने का मतलब है, पैसेंजर लोग का कहने का मतलब है, हम लोग को इतना तकलीफ होता है। इस विषय में आप लोग क्यों ये कैपिटल DC SP लोग को क्यों नहीं, आप लोग ये मुद्दा को क्यों नहीं उठाता है। तो हम लोग भी वही ये कहता है कि हमारा जितना भी टेम्पो हमारा गंगा तो ए सेक्टर तो गंगा यूनियन जो कि अगस्त दुआ का नाम से जाना जाता है, तो उसी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का जो दोनों मिलके कैसे उस मुद्दे को लेके बात कर रहा है और किस विषय में बात कर रहा है ये हम लोग भी आज का डेट में हम लोग को पता नहीं इतना खास करके। तो यह मैं सभी का कहना है कि मतलब क्यों भैया बहुत तकलीफ होता है आगे, कोई लोग बच्चा पकड़ के एक दो बच्चा पीछे एक बच्चा एक हाथ में पकड़ के ले जाना होता है उसको देख के, फिर कभी कभार हम लोग दया भी आता है, तो उसी को चलते हम लोग लेके जाता है अंदर तक ले जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक इंसानियत का होने का नाते इतना तकलीफ हो रहा है तो क्यों ना मतलब थोड़ा आगे तक तो पहुँचाने से शायद उसका बोझ भी हल्का होगा, तो वो चीज़ को लेके हम लोग आगे जाता है तो हम लोग को ऑटोमेटिकली मतलब हम लोग को लॉक लगाया जाता है। लॉक लगा के उसके बाद चालान जो होता है आपका 2,000 का चालान काटना होता है। तो हमारे यहाँ में 12 में आपका 10-20 रुपया का जगह में आपका मुश्किल से दिन में पकड़ लो के 500-600 रुपया आता है तेल उल डाल के। अभी 500-600 रुपया में आप देखिए अभी 2,000 का चालान कहाँ से देगा, हम लोग कहाँ से निकल के देगा।
और मुश्किल से यह बजट, मतलब बजट ही नहीं रख सकता है, कुछ पैसा ही नहीं बचा सकता है कि तेल डालना होता है, बीवी बच्चा होता है, उसको खिलाना होता है। तो मुश्किल से दिन में सब चीज़ होते हुए भी मतलब मुश्किल से 50-100 बच जाता है, पैकेट में रह जाता है खा पी के होने से भी। तो इसलिए हम ये कहना चाहता है कि आप लोग का चैनल का माध्यम से ये कहना चाहता है कि प्लीज़ हो सके तो हमारा SP और DC को, मैं काइंडली मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले जैसे नॉर्मली चल रहा था, जो पहले सभी को बोझ नहीं था, तो आज के डेट में सभी को बोझ उठाना पड़ रहा है, पैदल जाना होता है, धूप है, बारिश में इतना दूर तक पैदल जाना होता है। तो उसी के लिए हम काइंडली आप SP DC को हम यही रिक्वेस्ट करना चाहता है, पहले जैसे नॉर्मली चल रहा था वैसा ही चलने देने से मेरा लिए बहुत बेहतर रहेगा और सभी के लिए बेहतर है, और सभी का सोच भी वही है। अंदर नहीं घुसने से, नहीं घुसने का मौका जो है कि अंदर नहीं घुसता है तो यहाँ में अभी यहाँ में जो है आपका निर्वाचन भवन का जो ये एक्चुअली ये पार्किंग प्लेस नहीं है, ये एक ड्रॉपिंग पॉइंट है, ड्रॉप करो और घुमाओ और या फिर जहाँ मिलता है ले जाओ, तो उसमें किसी का कमाई नहीं होता। ये लाइन में नहीं नहीं बोलने से भी एक लाइन मिलने में आपको 2-3 घंटा लगभग लग जाता है एक लाइन मिलने में, तो उसमें समय ऐसे ही निकल जाता है, मुश्किल से 2-3 लाइन मिलता है एक ये क्या टेम्पो का ये जो है 3 घंटा तो लगता है लाइन आने तक, तो अंदर जाने मौका नहीं मिलता नहीं है। और सभी लोग बोलता है कि अंदर लेके नहीं जाएगा तो 12 क्यों देगा, नहीं 12 नहीं देगा जब तक हम लोग अंदर लेके नहीं जाएगा, तो हम लोग भी बोलता है कि अंदर जाएगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, और ये ना यूनियन लेगा ना या फिर कौन लेगा, या में हम लोग को अंदर जाता है तो ऑटोमेटिक हम लोग को लॉक लगाया जाता है और उसके बाद में चालन करना शुरू होता है। तो इस विषय को लेके हमारा SP DC जो कैपिटल में जो है वो चीज़ को मुद्दा लेके और सही सिस्टम लेके और सभी सुविधा के लिए, सभी पब्लिक के लिए सुविधा के लिए काम करने से ये मेरा लिए सबसे बड़ा बात है। ऐसे ज्वाइंट सेक्रेटरी यहाँ में जो आपका आप लोग भी लाइक आप लोग का टेम्पो स्टेशन वो जो ड्राइवर लोग भी पब्लिक लोग जो आपका बीमार वाला लोग जो हॉस्पिटल जाना चाहता है पर उन लोगों को आधा रास्ता में टेम्पो वाला लोग भी छोड़ देता है ना, तो पब्लिक लोगों को तो काफ़ी तकलीफ मिल रहा है। तो ऐसे ज्वाइंट सेक्रेटरी ऐसे यूनियन आप क्या बोलना चाहेगा जी? मैं पब्लिक से और अपना जो बराबर ऑफिसर है उसी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, स्पेशली मैं सबसे आगे DC सर, तो आप ये ट्रांसफ़र चला गया था तालोपोतम सर रोटे से, मैं हम लोग को स्टैंड पूरा पार्किंग के लिए भी दिया गया था बाजार में, जब ये नया SP और DSP आया गया हम लोग का ट्रैफिक इंचार्ज का, तो हम लोग को डायरेक्ट यहीं में स्टैंड बनाने का उन लोग उपाय स्टैंड भी नहीं दिया, एक्चुअली पिकअप एंड ड्रॉप का दिया हुआ है, हम लोग मजबूरन से इसमें स्टैंड बनाना पड़ रहा है। हम लोग का स्टैंड ये नहीं है मैम, हम लोग का स्टैंड दिया गया गवर्नमेंट का थ्रू से वहाँ में आपका 0.2 होटल का पास में सुमो काउंटर को पार कर हम लोग का मेन स्टैंड हुआ है। वो DC सर हम लोग को पूरा कोर्ट पेपर का साथ में दिया हुआ है, हम लोग को अप्रूव गवर्नमेंट का तरफ से डायरेक्ट अप्रूव कर दिया हुआ है स्टैंड को, तो इसमें तो स्टैंड नहीं है हम लोग का, अभी मजबूरन में इसमें स्टैंड बनाना पड़ रहा है। क्यों बोलने से हम लोग का अभी 12 अंदर घुसने नहीं देता है, तो 12 घुसने नहीं देने कारण से हम लोग इसमें स्टैंड बनाना पड़ रहा है, और यहाँ में स्टैंड बनकर अभी पब्लिक को बहुत परेशान मिल रहा है। मेन बात वहाँ से जो आता है पैसेंजर जो बीमार होकर आता है, जैसे बुजुर्ग हो गया, बुरा बुरी हो गया, उन लोग चलने बहुत दिक्कत हो जाता है, तो हम लोग उन लोग को पहुंचाने के लिए अंडर घुसने से हम लोग को 3000 का चालान लग जाता है। 3000 कहाँ से हम लोग देगा, जबकि हम लोग का घर जाते जाते तेल डालकर खाना खाकर आपका ये दिन का हाजरा का घर में ले जाते जाते 300-400 बचता है, उससे हम लोग क्या मजदूर करेगा। अभी हम लोग भी एक लेबर है, ऐसे हम यूनियन है साथ में, यूनियन होते हुए भी लेबर है साथ में, वही अपील करते हैं हम कि यूनियन होते समय भी हम भी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते पब्लिक को ना। तो DC सर अभी तो DC सर को हम ब्लेम नहीं करेगा, क्योंकि यह अभी इंचार्ज जो है SP सर और DSP सर का है, जब DC सर ने होते समय ट्रांसपोर्ट का स्पेशली यहाँ का जितना ट्रैफिक है उसको वो दोनों ने स्ट्रगल इसमें शुरू कर दिया हम लोग का यूनियन को लेकर, और यूनियन को लेकर ऐसा बोलने वाजी से हम लोग ये कर रहे हैं। अभी हम यही अपील है DC सर और SP सर लोग से, जो भी है बड़ा ऑफिसर लोग है, आप पहले जैसे हम लोग को जो स्टैंड देकर रखा था अंडर में रुकने के लिए पिकअप और ड्रॉप जगह, वो स्टेशन बना दीजिए, और शाम को स्पेशल हम लोग का वजह से ट्रैफिक नहीं होता है, मेन बस जो बड़ा बड़ा बस ट्रांसपोर्ट जाता है, नाइट सुपर जाता है, उन लोग को आप लोग एक स्टेशन दे दीजिए या फिर एक टाइम दे दीजिए स्टेशन नहीं देने से दे उन लोग को चलने का, ताकि हम लोग का ट्रैफिक जो है कम हो सके। हम लोग का वजह से नहीं है सर, हम लोग आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये इसको भी आप लोग भी नोटिस कर देखिए चल कर ना, इसमें आप चल कर मतलब देखिएगा तो आप बस को ही देखिए, बस
कितना गाड़ी का हम लोग का 4-5 टेम्पो को डायरेक्ट कवर कर देता है बस जो है, स्पेशली बस जो शाम समय में क्यों ट्रैफिक होता है, हम लोग का वजह से नहीं है, हम लोग का वजह से नहीं होने का कारण से हम लोग बोल रही है। और आपका ये देखिए, हम लोग ये स्टैंड में, आप एक बार स्टैंड को भी देखा है ना सर, कैमरामैन सर, ये स्टैंड को भी देखिए, हम लोग इसमें एक स्टैंड मिलने के लिए अभी नए नए बोलने से 4 घंटा लगता है, सबसे लोएस्ट है 4 घंटा। तो दिन में कितना, 3 बार सिर्फ ट्रिप मिलता है, कोई सेक्रेटरीट नाम जाता है, कोई ये बैंक तिनाली नाम था, सेक्रेटरीट 10 रुपया, 10 रुपया में 10 आदमी घुसता है टेम्पो में, तो 10 आदमी 5 आदमी भी नाम जाने से कितना है, 50 रुपया सिर्फ है, बैंक तिनाली कितना पहुँचेगा, हम लोग का दिन का हजरा भी नहीं हो रहा है ना। इसको भी आप लोग ऐसे, हम यूनियन का होने का नाते भी हम एक यूथ भी है साथ में, हम यूथ है, ग्रेजुएशन हो चुका है, मजदूर में जॉब नहीं मिलने कारण से ये टेम्पो दौड़ना पड़ रहा है ना, उसको भी आप लोग भी समझ दीजिए। हम भी कंपेल होकर अपना ग्रेजुएशन को सोचने से हम रोता भी है, दिल में बहुत रोता है सर। आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है, ये मीडिया पर्सन से आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक देश का हम भी एक युवा है ना, देश का युवा होने का नाते आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा है, आप लोग ये प्रॉब्लम को भी सोल्यूशन ला दीजिएगा और पब्लिक को भी सुविधा दीजिएगा, और पब्लिक से भी आप लोग बात में सुनने मिलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। प्रॉब्लम तो हर किसी को मिलता है, इसी कारण से मैं यही अपील करना चाहता हूँ। और यूनियन को लेकर हम लोग यूनियन को भी बहुत रिक्वेस्ट कर चुका है, ऐसा हम यूनियन में पोस्ट है पर भी यूनियन वाला लोग ऑफिसर लोग को अपोर्ट नहीं कर पा रहा है, बोलने नहीं सक रहा है। प्रेसिडेंट और GSR जो है, हम उन दोनों को भी बहुत रिक्वेस्ट किया है पर्सनल में, वो दोनों भी इसको अपील कर कर देख रहा है पर अपील नहीं कर पा रहा है, क्या रीजन से कर रहा है उसको भी आइडिया नहीं है हम ना। मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू। सबसे पहले तो मैम, आप कहाँ से, अभी ये टेम्पो पकड़ के आप कहाँ से आ रहा था? से तो मैम आपको तो ये अभी आधा रास्ता में छोड़ दिया, अभी यहाँ से आपको पैदल जाना होगा। हाँ। तो ऐसे आप लोग को आधा रास्ता में छोड़ के आप लोग को यहाँ से पैदल जाना होता है ना, तब आप लोग को कितना तकलीफ मिलता है उसको थोड़ा बता दीजिए। बहुत तकलीफ होता है, सामान उठा के जाने से भी बहुत तकलीफ होता है। हम तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से वहाँ, जहाँ में टेम्पो स्टेशन है ना, वहाँ में छोड़ दो, वहाँ से डायरेक्ट वहाँ में छोड़ दो, ऐसे नहीं कर कर आधा रास्ता में छोड़ देगा तो हम लोग बच्चा भला है और सामान भला है, जा नहीं सकता ही नहीं। और हम एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग का टेम्पो वाला को, जितना भी ये टेम्पो वाला ड्राइवर लोग सुन रहा होगा, आप लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोग को ना 10-20 रुपया कम करने से ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कोई कोई टेम्पो वाला जो बहुत मतलब एटीट्यूड होता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग आधा रास्ता में थोड़ा क्या होने से, आर्गूमेंट्स होने से हम लोग आधा रास्ता में ही नमा देते हैं ये लोग ना। और वहाँ से जाने से वहाँ तक थोड़ा मतलब देखकर, आदमी को देखकर ना, कभी दिन पैसा नहीं होने से उसको भी कंसिडर करने से ठीक है, मेहनत करते हैं मालूम है, लेकिन हर किसी के पास में ना पैसा होकर तो नहीं जाता है ना, कोई कोई आधा रास्ता में पास छोड़ कर जाता है, मेरा भी ऐसे टाइप का हुआ है, लेकिन हमको एक्सेप्ट नहीं किया वो लोग। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग जैसे वो वहाँ में छोड़ते हैं वहाँ से ऐसे ले आकर आने से ठीक है, क्योंकि सामान वाला हम लोग बहुत तकलीफ होता है, और कभी कभी बीमार वाला, पैर टूटने वाला, और कभी कभी दिखाई नहीं देने वाला, उन लोग को बहुत तकलीफ होता है पैदल जाने के लिए। तो मैम ये रूल को तो आपका DC और DSP लोग लगाया है बोला है ना, तो उन लोग से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेगा? उन लोग को हम ऐसे सोचते हैं कि आप लोग सर, आप लोग तो पैदल नहीं जाते हैं ना, आप लोग तो गाड़ी जाते हैं, तो पैदल जाने में कितना तकलीफ होता है, आप लोग जाके देखो तब आप लोग को मालूम चलेगा कितना धूप है। आप लोग AC में बैठ कर इतना सिर्फ बोलेगा कि आप लोग रूल बनाते रहेगा और हम लोग वहाँ में पब्लिक चलते रहेगा, ऐसे नहीं होता है। हम लोग भी कितना तकलीफ वाला है, आप लोग कभी दिन पैदल चढ़ के देखो तब आप लोग को मालूम होगा, कभी दिन टेम्पो और ट्रैकर में आप सवारी करके देखो, हम लोग का साथ में हम ही बोलेगा उन लोग को। तो यहाँ एक पैसेंजर मिला है, ये कहना का ये पैसेंजर भी ये टेम्पो स्टेशन से नमा है। तो सबसे पहले तो सर आप ये बताइए कि आप लोगों को तो ये टेम्पो वाला यहाँ छोड़ दिया, बीच रास्ता में छोड़ दिया ना, तो यहाँ से तो अभी आपको पैदल जाना होगा, तो आप लोगों को कितना तकलीफ मिलता है ऐसे बीच रास्ता में आप लोगों को छोड़ के, अगर आप लोग पैदल जाता है तो? हाँ, ये हम लोग को ऊपर से टेम्पो में हम लोग घुसते हैं, गंगा तक पहुँचा दो, तो गंगा तक पहुँचाता नहीं, हम लोग आधा रास्ता तक छोड़ देता है, तो यहाँ से आधा रास्ता से हम लोग मेडिकल तक पैदल मारता है, ये हम लोग को इतना देखो पब्लिक प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये इसको आप लोग थोड़ा सा हम लोग के तरफ से करेक्शन भी करना है, आप लोग पुलिस वाला भी ये ऐसे ऐसे हो रहा है बोल के सुना है, तभी तो भी हम लोग पब्लिक आदमी कष्ट मिलता है, जो गाड़ी घोड़ा वाला सब तो नहीं है, तो गरीब आदमी तो ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा आप लोग मेहरबानी करके वहाँ तक हम लोग को जहाँ तक जाता है वहाँ तक हम लोग को पहुँचाना है गाड़ी, ऑटो हो टेम्पो हो जो भी हो, इतना तक
मेरा बात है। तो ये सर आप कहाँ से आ रहा था अभी? मैं आ रहा था C1 सेक्टर से, ईटानगर C1 सेक्टर, पुराना तेल डिपू, वहाँ से आ रहा था आरके मिशन हॉस्पिटल जाएगा बोल के आ रहा था, तो हमको आधा रास्ता में छोड़ दिया, तो यहाँ से हम पैदल जा रहा है, यही के लिए हमको दिक्कत हो रहा है।